वेलकम स्टूडेंट इस वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं हम क्या सीखेंगे हम सीखेंगे कि आपके पास में अगर कंडक्टिंग शेल हो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाए हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आइए समझते हैं बात ऐसी है कि अगर रेडियस आर है और आपने चार्ज क्यों दिया है रेडियस आर है और आपने चार्ज क्यों दिया है कंडक्टिंग स्पीयर को तो कंडक्टिंग स्पीयर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को दिया जाता है या किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है वो चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर रिसाइड करता है मतलब आप जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज अंदर नहीं जाएगा बाहर ही रहेगा या हम कंडक्टिंग शेल की बात कर रहे हैं या हॉलो की बात कर रहे हैं तो हॉलो स्पीयर के आउटसाइड सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू बाय स्मॉल आर दी जाती है स्मॉल आर स्क्वायर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि ये हॉलो स्पीयर है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है तो हॉलो स्पीयर का या स्पेरिकल स्ट्रक्चर का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होगा और आप और हम ये जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही होती है तो अब देखिए यहां पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड kq अपन आर स्क्वायर है लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन बात करें तो ये रेडियली है और मैं आर यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं इसका मतलब है रेडियली आउटवर्ड वेक्टर ये देखिए रेडियली आउटवर्ड वेक्टर इस तरफ अगर हमें पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल की बात हम जानते हैं पोटेंशियल इज गिवन एज माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अब देखिए पोटेंशियल हमें कहां कहां निकालना है हमें पोटेंशियल निकालना है तीन जगह पर मैंने बोला आपसे फिर से सुनी जान से मुझे पोटेंशियल निकालना है बाहर मुझे निकालना है सरफेस पर और मुझे निकालना है अंदर आउटसाइड ऑन द सर्फेस और इनसाइड ये तीनों जगह पोटेंशियल निकालना है अब ये डी आर वैक्टर क्या होता है तो बेसिकली डी आर वैक्टर मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं भाई सेंटर से रेडियस या रेडियल वेक्टर आउटसाइड अब इस सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल रेडियल नॉर्मल जो होगा वो आउटसाइड बाहर की तरफ होगा तो अगेन इसकी जो डायरेक्शन होगी डी आर आर यूनिट कैप मतलब आउटसाइड बाहर की तरफ रेडियली तो आइए डीवी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ई e कितना आपके पास में तो केक्यू बायर आर यूनिट कैप डॉट डी आर आपके पास वापस से यूनिट कैप है अच्छा दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वन तो डीवी कैन बी रिटर्न इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वे इन टू डी आर इसे ऐसा लिखा जा सकता है अब लिमिट कहां से कहां तक रखी जाए तो देखिए इनिशियल से फाइनल पोटेंशियल की लिमिट इनिशियल से फाइनल इनिशियल से फाइनल, ये आ गया इनिशियल से फाइनल वैल्यू तो मैं कह सकता हूं माइनस इनिशियल से फाइनल तो इनिशियली क्या लिखा जाता है पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या दी जाती है तो पोटेंशियल की डेफिनेशन दी जाती है अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड आप सुनिएगा अमाउंट ऑफ डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड तो इनिशियली इन्फिनिटी से फील्ड में लेना है मतलब आर डिस्टेंस में लेना है देखो यहां से यां तक में. तो हम आगे वैल्यू बुटअप करेंगे तो KQ, मैं आप देख सकते हो के कॉमन निकल गया है क्यू कॉमन निकल गया है आर की पावर माइनस टू डी आर इन्फिनिटी से आप स्मॉल आर तक रख रहे हो आइए पोटेंशियल की वैल्यू फाइनली माइनस पोटेंशियल की वैल्यू इनिशियली मैं कह सकता हूं माइनस के क्यू आर की पावर माइनस टू को आप क्या लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इंफिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक आइए समझते हैं हम जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी ली जाती है तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना डिफाइन किया जाता है तो जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी ली जाती है तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो डिफाइन किया जाता है आइए इफ आर इक्वल टू इंफिनिटी देन पोटेंशियल एट इज डिफाइंड एज जीरो और फाइनली मैं इसे आर तक ले जाना चाहता हूं तो पोटेंशियल वी आर हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप क्यू माइनस टू प्लस वन या आगे आपके पास माइनस वन अपॉन आर पूरा सॉल्व करने पर इंफिनिटी से स्मॉल आर की हम बात कर रहे हैं तो आइए आप देखिए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं v स्मॉल r दैट इज इक्वल टू माइनस kq माइनस माइनस प्लस हो चुका आपके पास में मेंन अपॉन r इन्फिनिटी से r v स्मॉल r kq अच्छा अपर लिमिट है लिमिट है इन्फिनिटी तो v स्मॉल r हो जाता आपके पास में kq क्यू अपॉन स्मॉल आर अब जब हमें ऑन द सर्फेस की बात कर रहा था तो ऑन द सर्फेस आप थोड़ा चेक करके देखिए ऑन द सर्फेस सेंटर से हम बात कर रहे थे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था अच्छा ये वैल्यू पॉइंट पी पास आता 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 अगर यहां पर आ जाए तो पॉइंट पी पास आता हुआ अगर इस पॉइंट पर आ जाए तो देखिए सेंटर पे ऑन द सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी और जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी तो देखिएगा इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर देन वी आर इक्वल टू के क्यू आर इसे पोटेंशियल लिखा जा सकता है और हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड साइड द कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है तो इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड क्या निकाला जाएगा इनसाइड निकाला जाएगा वी इंटीग्रेशन माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर डी वी वी अच्छा जीरो डॉट डी आर तो जीरो का इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हैं तो जीरो का इंटीग्रेशन आप कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं जीरो का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं तो जीरो का इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लिख सकते हैं तो इस तरह से हमने कहा कि जब हम बात करें पोटेंशियल की तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है स्फीयर के अंदर यह रहा आपके पास में कुछ इस तरह से ये ई e, ये आपके पास में आर का ग्राफ साथ साथ यहां पर आपको v और आपके पास में आर और इलेक्ट्रिक और इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है केक्यू बाय आर स्क्वा और जब हम बात करें स्पीयर के अंदर वाले पार्ट की तो ये वाला रीजन जो आएगा दिस रीजन वो होगा आर लेस देन आर देखो यहां से यहाँ तक होगा आर लेस देन आर ये पॉइंट होगा आर इक्वल टू आर और ये जो रीजन होगा बाहर वाला आर ग्रेटर देन आर होगा तो देखिए शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर हॉलो कितनी होती है तो वो जीरो होती है ऑन द सर्फेस कितनी होती है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया तो इफ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर जैसे ही हुआ तो ये हो गई आपके पास केक्यू बाय आर स्क्वेयर मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई और जैसे ही स्मॉल आर ग्रेटर देन आर आता है तो ई e देखो कितना होता है ई e होता है केक्यू बाय स्मॉल आर स्क्वेयर अच्छा के, है? तो के है? क्या है तो के कॉन्स्टेंट है क्यू क्या है तो क्यू भी एक कॉन्स्टेंट है मतलब चार्ज है कॉन्स्टेंट है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है अब देखिए यही हम बात करें पोटेंशियल के लिए तो पोटेंशियल जब आर लेस देन आर था तो कॉन्स्टेंट था आर इक्वल टू आर था तो यह केक्यू बाय कैपिटल आर था और आर ग्रेटर देन आर था तो पोटेंशियल था केक्यू बाय स्मॉल आर थोड़ा देखना आर लेस देन आर तो पोटेंशियल कांस्टेंट था आर इक्वल टू आर था तो पोटेंशियल के क्यू बायर कॉन्स्टेंट था मतलब के कोई वैल्यू नाइन इंटू ट्वेंटी उसके बाद में चार्ज पॉजिटिव अगर हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव होने वाला है और नेगेटिव चार्ज हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव होने वाला है तो मान लो चार्ज की कोई वैल्यू होगी जैसे चार्ज ले लो आप टेन माइक्रोकुलर में तो रेडियस आप ले लो टेन सेंटीमीटर है सपोज तो पोटेंशियल देखो क्या आ रहा है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्योंकि वैल्यू देखो टेन माइक्रो माइनस सिक्स टेन इंटू माइक्रो मतलब टेन टू दावर माइनस सिक्स और टेन सेंटीमीटर माइनस टू ऐसा कहा जा सकता है तो ये पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है फाइनाइट वैल्यू आ रही है बराबर है तो जो फाइनाइट वैल्यू है मान लेते हैं यहां पर फाइनाइट वैल्यू है जो फाइनाइट वैल्यू, वैल्यू ये है और अंदर वही कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन है और जब आर ग्रेटर देन आर आ रहा है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर दिख रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला पोटेंशियल इसको अप्रोच होगा तो यहां हमने देख लिया कि इनसाइड सॉलिड सॉलिड हो या हॉलो हो कंडक्टिंग स्पियर हो या कंडक्टिंग शेल हो दोनों केस के लिए रिजल्ट सेम ही आते हैं अच्छा सेम क्यों आता है उसका कारण सुनो मान लो ये सॉलिड स्पीयर भी होता था मान लो सॉलिड स्पीय भी होता था अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता था तो भी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी चार दोगे वो सरफेस पे रहेगा भाई जो भी चार्ज दोगे सरफेस पे रहेगा सरफेस पे रहेगा मतलब अंदर जीरो रहेगा जब अंदर चार्ज ही नहीं रहेगा तो फील्ड टू जीरो रहना ही रहना है और बाकी सारे केसेस हॉलो स्पियर हो या सॉलिड स्पियर हो दोनों के लिए सेम महसूस होने वाले हाँ एक बात नोटिस करना बेटा या मैंने बोला पोटेंशियल पॉजिटिव है तब है जब चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव है तभी मैंने पोटेंशियल का देखो ग्राफ जो बनाया है वो पॉजिटिव एक्सेस पे UH! बनाया है पर सोचो अगर ये चार्ज नेगेटिव होता था तो चार्ज के नेगेटिव होने पर ये ग्राफ जो बनता था वो सिमिट्रिकली ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था यहां पर चार्ज जब लेस देन जीरो है और यहां चार्ज जब ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि पोटेंशियल वाई एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट पे पॉजिटिव और y के नेगेटिव नेगेटिव पार्ट पे पोटेंशियल तो वा एक्स के पॉजिटिव पार्ट पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता और अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल के प्लेस पे नेगेटिव वैल्यू होती और पॉजिटिव रेक्टेंगुलर हाइपरवाला के प्लेस पे नेगेटिव रेक्टेंगुलर हाइपरवाल होता था तो हम लोगों ने इस तरह से सीख लिया अब आगे हम और सीखने वाले हैं कि जब यही स्फीयर कंडक्टिंग ना होते हुए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या होता था देखो नॉन कंडक्टिंग भी होता था वापस कह रहा हूं नॉन कंडक्टिंग सस्टेंस भी होता था और अगर शेल होता था शेल मतलब हॉलो स्पीयर होता था तो देखो नॉन कंडक्टिंग और हॉलो होता था तो नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्पीयर पर जो भी चार्ज दिया जाता है वो चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड होता है अब आपने इस होलो हॉलो स्पियर को अगर चार्ज दे भी दिया स्टूडेंट ध्यान से देखना अगर आपने इस स्पियर को चार्ज दे भी दिया और नॉन कंडक्टिंग हुआ तो अंदर जब कुछ है ही नहीं मटेरियल है ही नहीं तो चार्ज रहेगा कहां अब जब मटेरियल अंदर है ही नहीं तो चार्ज रहेगा कहां जहां मटेरियल है तो मटेरियल है कहां पर सरफेस पे तो जो भी चार्ज आएगा वो कहां जाएगा सरफेस पे ही जाएगा मतलब अंदर वापस से वही जीरो और बाहर वैसे के वैसे रिजल्ट हां लेकिन एक केस डिफरेंट है ये नॉन कंडक्टिंग होता और सॉलिड स्पेयर होता अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता और सॉलिड स्पेयर होता तब केसेस डिफरेंट होते थे जो कि हम देखने वाले चलिएगा अब हम सीखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर ये रिजल्ट्स किस तरह से बदलेंगे वेलकम स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक को पढ़ा और सीखा कि जब हॉलो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है तब क्या होता है देखिएगा यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कंडक्टिंग सब्सटेंस और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है भाई कंडक्टिंग सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो भी चार्ज देते हैं वो सर्फेस पर रिसाइड होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है कंडक्टर के इनसाइड चाहे हॉलो या सॉलिड हो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक इक्वीपोटेंशियल सरफेस होता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में जब भी चार्ज दिया जाता है तो चार्ज आउटसाइड तो अपने आप होता ही चार्ज पूरे सरफेस पर रिसाइड होता है मतलब वो चार्ज इनसाइड भी एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आप और हम पहले भी सुख चुके थे हमने इसका डेरिवेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है स्मॉल अपॉन कैपिटल क्यूब यूनिट अब यहां स्मॉल आर मतलब क्या है भाई कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर और सेंटर से आर डिस्टेंस पर ध्यान से सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर फील्ड की वैल्यू की बात करूं मैं तो ये पॉइंट पी पर फील्ड अवेलेबल है अब मुझे करना क्या है मुझे इस फील्ड के एक्सप्रेशन की मदद से मुझे इस फील्ड के एक्सप्रेशन की मदद से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है तो पोटेंशियल देखिए वापस से वही वाली बात ई वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर यहां पर dV माइनस ई वेक्टर के लिए आपने लिखा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और रेडियली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड तो फील्ड है रेडियल रेडियल के लिए आर यूनिट कैप डी आर के लिए आपने लिखा डी आर जो रेडियस है मतलब जो स्मॉल एलिमेंटल जब हम किसी चार्ज को मूव करेंगे तो मूव करते समय देखो रेडियस सेंटर से आउटवर्ड तो हम यहां पर आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं अब हम ला कहां से रहे और कहां तक ला रहे हैं समझ समझना थोड़ा सा ध्यान से मुझे पोटेंशियल से से। से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालना है वापस समझना ध्यान से मुझे पोटेंशियल कहां से निकालना है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालना है तो भाई देखो पहले कहीं ना कहीं आप बात इंफिनिटी से चार्ज को लेके आए होंगे मतलब आप चार्ज लाए इंफिनिटी से लाते 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 यहां पर लाए तो पहले सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लाए तो पहले सेंटर से आर डिस्टेंस पे लेके आए तो मान लेता हूं मैं शुरुआत आर से कर रहा हूं इनिशियली मैं आर से शुरुआत कर रहा हूं और मैं इसे कहां तक लेके जाना चाहता हूं मैं इसे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे लेके आना चाहता हूं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे लाना चाहता हूं। तो पोटेंशियल कहां पर पोटेंशियल शुरुआत में आर पर मतलब सरफेस पर और बाद में कहां पर बाद में उस पॉइंट पर जहां हम निकालना चाहते हैं तो हम कहां निकालना चाहते हैं हम सेंटर से स्मॉल आर पर निकालना चाहते हैं ये कहां पर है सेंटर से आर पर है आर पर है मतलब ऑन द सरफेस है ऑन द सरफेस है तो आइए डीवी का इंटीग्रेशन वी आर से स्मॉल आर में से ऐसा लिख देता हूं वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर अच्छा यहां इसका मतलब समझना थोड़ा सा आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आप डायरेक्ट लिमिट को जो बना देते हो बेसिकली आई कैन राइट वी स्मॉल आर और वी कैपिटल आर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी स्मॉल आर और वी कैपिटल आर आपके पास में अब देखिए क्या होगा बाद ऐसी यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा ये आएगा माइनस के कैपिटल क्यू और आर क्यू बाहर निकल गया इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर आर की पावर वन डी आर आप और हम जानते हैं इंटीग्रेशन आर की पावर एन डी आर का फॉर्मूला होता है आर की पावर आर की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो इंटीग्रेशन आर वन डी आर क्या होगा तो आर की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन तो इसे कहते हैं r2 अपॉन 2। इसे कहा जाता है बराबर है तो अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला सेगमेंट देखना टू माइनस के कैपिटल क्यू आर क्यूब अब आप इसे लिख सकते हो स्मॉल आर स्क्वाइंट टू और कहां से कहां तक तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक यहां ऐसे लिखा जा सकता है आइए समझते हैं हम इसे ऐसा लिख पाएंगे कि वी स्मॉल आर इक्वल टू वी कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू टू कॉमन निकल गया अब रखेंगे अपर लिमिट स्मॉल आर स्क्वेर माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है और मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूं और आप ये बात जानते भी हैं ऑन द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई नॉट क्यू बाय आर के क्यू बाय आर लिखा जाता है तो ये आ गया वी कैपिटल आर इक्वल टू के क्यू आर ऐसे ऐसा लिखा जा सकता है आप लिख सकते हैं केक्यू बाय आर माइनस इसे लिख सकते हैं आप केक्यू स्मॉल आर स्क्वे अपॉन टू आर क्यूब प्लस केक्यू आर स्क्वेयर अपॉन टू आर क्यूब अब देखो क्या हुआ वी स्मॉल आर वी स्मॉल आर की बात बोले ये आ गया KQ बाय आर और आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा के क्यू बाय टू आर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब इसे ऐसा लिखा जा सकता है तो आप देखिए ध्यान से वी स्मॉल आर क्या आ जाएगा यह आ जाएगा टू आर एल सी एम टू के क्यू प्लस के क्यू और ये हो गया आपके पास माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब तो वी स्मॉल आर ये आ चुका है टू के क्यू प्लस के क्यू कितना होता है तो थ्री केक्यू बाई टू आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब अब देखो इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूं निकाला तो देखो क्या फर्क पड़ेगा kQ बाई टू स्मॉल आर नहीं टू कैपिटल आर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचने वाला है kQ बाय टू आर कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा थ्री माइनस के क्यू आर स्मॉल is... पुरोहित अकॅडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव